कोरोना के बीच अब मंकी पॉक्स वायरल मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। चूहों या बंदरों जैसे संक्रमित जीवों से मनुष्यों में फैलने वाला ये वायरस पहले भी लोगों को परेशान कर चुका है। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक ये संक्रमण नाइजीरिया से यहाँ आया। ब्रिटेन में अब मंकी पॉक्स के दो नए मामले सामने आए हैं। यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा संक्रमित मरीजों को विशेषज्ञों की देखरेख में रखा गया है। क्या है मंकी पॉक्स वायरस? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स का पहला केस इंसानों में साल 1970 में मिला था। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरस संक्रमण है जो लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता है। WHO के मुताबिक यह अफ्रीका के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में पाए जाते हैं। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स की तरह ही एक वायरल इन्फेक्शन है जो चूहों और खासकर बंदरों से इंसानों में फैल सकता है। अगर संक्रमित जानवर काट ले या इनका खून या मूत्र, लार, पसीने के संपर्क में आने से संक्रमण हो सकता है। मंकी पॉक्स बीमारी संक्रमित जानवर के मांस को अच्छी तरह पकाए बगैर खाने से भी हो सकती है। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं? पूरे शरीर पर गहरे लाल रंग के दाने, निमोनिया, मांसपेशियों में दर्द, तेज बुखार आना, शरीर में सूजन, त्वचा पर लाल चकते, ठंड लगना और थकावट इसके लक्षण हैं। इसकी शुरुआत चेहरे पर दाने होने से होती है, फिर धीरे धीरे ये दाने पूरे शरीर पर फैलने लगते हैं। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 5 से 12 दिनों में इसके लक्षण उभरना शुरू होते हैं।